Sandra, are you and Marty going to come back? Becky, have you ever been Yeah, you're going to need to take those off. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज मैं एक ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि अमेरिका में हुए एक स्कैम के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि 2004 के समथिंग अक्सर अमेरिका में हुआ करते थे। इस फिल्म के डायरेक्टर है क्रेग जोबेल, जो कि वेस्टवर्ल्ड और पेंगुइन जैसी टीवी सीरीज के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो आइए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सेंड्रा को देखते हैं, जो कि चिकफिश फास्ट फूड रेस्टोरेंट की मैनेजर थी। वही रेस्टोरेंट के लिए एक आदमी रेस्टोरेंट के वेयरहाउस से कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आता है, लेकिन वो सेंड्रा को उल्टा सीधा सुनाकर चला जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट के किसी एम्प्लॉय ने रेफ्रिजरेटर का डोर खुला रख दिया था, जिस वजह से रेफ्रिजरेटर का सारा सामान खराब हो गया था। सीन यहीं पर कट होता है और अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बातें कर रहा था और कॉल के दूसरी तरफ वाला आदमी उसे डांट रहा था। अगेन सीन रेस्टोरेंट की तरफ आता है, जहाँ पर हम बेकी को देखते हैं जो कि सेंड्रा के रेस्टोरेंट में काम करती थी। अब वो अपने दूसरे वर्कर केविन के साथ में रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी क्योंकि उनकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेंड्रा बाकी के वर्कर्स को डांट रही थी क्योंकि किसी ने रात को रेफ्रिजरेटर का डोर खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से उसके अंदर का सामान खराब हो गया था और इसीलिए सेंड्रा को उस आदमी से इतनी बातें सुनना पड़ी थी। और तो और उन्हें $1500 का नुकसान भी हो गया था। सेंड्रा सभी को बता रही थी कि आज फ्राइडे है और आज रेस्टोरेंट पर बहुत ही रश रहने वाला है। आज ही के दिन रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी से एक आदमी सीक्रेट कस्टमर बन के उनके रेस्टोरेंट पर इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाला है। सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि उनसे कोई गलती नहीं हो और सभी अपना काम बहुत ही अच्छे से करें। मीटिंग खत्म होने के बाद में सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बेकी मार्टी नाम की दूसरी वर्कर से बातें करती है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब जाने का डर था। फिर बेकी मार्टी को अपना फ़ोन कवर दिखाती है जो कि उसके नए बॉयफ्रेंड बेन ने उसे दिया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सेंड्रा वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी भी इंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर बेकी और मार्टी उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि सेंड्रा की एज थोड़ी ज़्यादा थी और वो दोनों को बता रही थी कि सेंड्रा अपने फैंसे को अपने प्राइवेट फोटोज भेजा करती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बेकी और मार्टी दोनों सुनकर शॉक्ड थे। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में अब भीड़ बढ़ने लगी थी और सभी अपने काम को ठीक से कर रहे थे और सेंड्रा सभी के काम में हेल्प कर रही थी। तभी उसे वेन का कॉल आता है जो कि सेंड्रा का फैंसा था और वो उसे बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने जा रहा है। सेंड्रा उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करने को कहकर उसे बाइक देती है। फिर वो देखते हैं कि सभी लोग अपने काम से ज़्यादा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सेंड्रा उन्हें समझाती है कि क्वालिटी चेक के लिए सीक्रेट कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, तो वे लोग अपने काम पर ध्यान दें। तभी सेंड्रा को पुलिस ऑफिसर डेनियल को कॉल आता है। वो बोलता है कि उसे उनके रेस्टोरेंट के रीजनल मैनेजर ने सेंड्रा से बात करने को कहा है। सेंड्रा को लगता है कि ये कॉल उस रेफ्रिजरेटर से हुए नुकसान के लिए होगा, लेकिन असल बात कुछ और ही थी। दरअसल सेंड्रा के रेस्टोरेंट से एक कस्टमर के बैग से कुछ पैसे चोरी हुए थे। ऑफिसर बताता है कि वो वर्कर 19 साल की यंग लेडी है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं। सेंड्रा बेकी का नाम लेती है क्योंकि रेस्टोरेंट में सिर्फ बेकी ऐसी वर्कर थी जिसकी एज 19 साल की थी और उसके बाल भी ब्लॉन्ड थे। ऑफिसर कहता है कि वो किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। और सेंड्रा के रीजनल मैनेजर ने उसे ये कहा है कि वो ऑफिसर की हर तरह से मदद करेगी। सेंड्रा ऑफिसर से पूछती है कि वो किस इन्वेस्टिगेशन में फंसा है, तो ऑफिसर उसे बताने से मना कर देता है। सेंड्रा थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि आज उसके रेस्टोरेंट में इतना रश है, ऊपर से ये सब हो रहा था। वो बेकी के पास जाकर उसे बताती है कि उसके लिए पुलिस स्टेशन से कॉल है क्योंकि उसने किसी कस्टमर के बैग से पैसे चुरा लिए हैं। फिर ऑफिसर बेकी को कॉल पर लेता है और उसे बताता है कि एक लेडी ने रिपोर्ट लिखाई है और उसने बेकी के बारे में बताया है। बेकी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने चोरी नहीं की है, लेकिन ऑफिसर बेकी की बात को मानने से मना कर देता है। फिर ऑफिसर सेंड्रा को कहता है कि वो बेकी का फ़ोन ले ले और उसकी सभी जेबों को चेक करे। सेंड्रा ऑफिसर को बताती है कि उसे उसके पास से कुछ नहीं मिला है। फिर ऑफिसर उसके पर्स को चेक करने को कहता है, लेकिन उसका पर्स दूसरे रूम में था, तो बेकी उसका पर्स सेंड्रा को दिखा देती है और वो सेंड्रा से कहती है
कि उसने चोरी नहीं की है। सेंडर बेकी से कहती है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी सब खत्म हो ताकि वो अपने कस्टमर पर ध्यान दे सके। बाकी वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। सेंडर ऑफिसर को बताती है कि उसे उसके पर्स से कुछ नहीं मिला है और ऑफिसर उसे ये कहता है कि वो अपनी टीम के साथ में जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन उन्हें चाहता है कि बेकी वहाँ से कहीं भागे। ऑफिसर चाहता था कि वो उस पर नज़र रखे और उसकी हर बात माने, क्योंकि उसे उसके रीजनल मैनेजर ने कहा है कि वो उसकी हेल्प करेगी। ऑफिसर फिर से बेकी से पूछता है कि क्या उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन वो साफ मना करती है। लेकिन ऑफिसर उससे बदतमीजी से बात करता है। वो सेंड्रा से कहता है कि अगर बेकी उसकी बात नहीं मानती तो वे लोग वहाँ पर आएंगे और सभी कस्टमर के सामने उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। फिर उसे लॉकअप में रहना पड़ेगा और उसके बाद में उसका कोर्ट ट्रायल भी होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए तो उसे सेंड्रा को स्ट्रिप सर्च करना होगा, यानी कि उसके कपड़े उतरवा कर उसकी जाँच करनी होगी कि कहीं उसने इसी जगह पर पैसे तो नहीं छुपाए जहाँ पर कोई देख ना सके। सेंड्रा भी चाहती थी कि जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बेकी परेशानी में आ सकती थी, और अगर सेंड्रा ने उसे स्ट्रिप सर्च किया तो जेल जाने से बच जाएगी। अब ऑफिसर बेकी के साथ रेस्टोरेंट के ओनर रॉबी को भी कॉल पर लेता है। फिर ऑफिसर बेकी को बताता है कि क्या उसका भाई है, जिस पर बेकी हाँ कहती है। तो ऑफिसर उसे कहता है कि वो बड़ी परेशानी में फंसा है। दूसरी तरफ सेंड्रा दूसरे वर्कर मार्टी को अपने साथ में लेने गई थी, क्योंकि उसे बेकी को स्ट्रिप सर्च करना था। साथ में उसे किसी एक विटनेस को भी रखना था ताकि वो झूठ नहीं बोले कि उसने बेकी को स्ट्रिप सर्च किया या नहीं। ये बात मार्टी को भी अजीब लगती है, लेकिन सेंड्रा कहती है कि वो पुलिस के सामने कुछ नहीं कर सकते। फिर ऑफिसर सेंड्रा को कॉल पर डायरेक्ट करता है कि उसे क्या करना है। पहले वो बेकी से कहती है कि वो अपनी शर्ट और अपनी पैंट उतारे, जिसमें से सेंड्रा को कुछ नहीं मिलता है। फिर बेकी अब अपने अंडरगारमेंट्स में थी, लेकिन ऑफिसर चाहता था कि वो उसके अंडरगारमेंट्स को भी चेक करें। ऑफिसर सेंड्रा से बेकी के अंडरगारमेंट्स के बारे में पूछता है और कहता है कि वो भी उसे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा कहीं भी छुपाए जा सकते हैं। और मजबूरन बेकी को अपने पूरे कपड़े सेंड्रा और मार्टी के सामने उतारने पड़ते हैं। फिर शर्म के मारे मार्टी बेकी को एक एप्रिन लाकर देती है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि वो उसे ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करें। फिर ऑफिसर सेंड्रा को कहता है कि वो उसके कपड़े ले और उसे कार में ले जाकर रख दे, जो कि पार्किंग में खड़ी है, ताकि अगर कपड़ों में पैसे हो तो वो उसे दूर रहें और उन कपड़ों को कोई नहीं छुए, और जब वो आए तो उसे चेक कर लेगा। ऑफिसर सेंड्रा से कहता है कि वे लोग अभी नहीं आ सकते, क्योंकि वे लोग अभी बेकी के घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई के ऊपर ड्रग बेचने का इल्ज़ाम है। फिर सेंड्रा उन कपड़ों को कार में रखाती है। जब वो बाहर जाती है तो रेस्टोरेंट में बहुत ही रश था और बेकी के चलते तीन वर्कर अपना काम नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर बेकी सिर्फ एप्रिन में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और सेंड्रा को भी अपना काम करना था, लेकिन ऑफिसर के आने में देर होने वाली थी। वो कहता है कि किसी भी मेल एम्प्लॉय को उसकी जगह पर छोड़ दें। तो इसीलिए सेंड्रा केविन को बेकी के ऊपर नज़र रखने के लिए उस रूम में लेकर आती है। वो केविन को बताती है कि बेकी ने क्या क्या किया और उसके भाई की वजह से पुलिस को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। इधर हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठा पेन पेपर पर कुछ लिख रहा था, और ये वही आदमी था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में पब्लिक टेलीफोन पर था और कोई कॉल पर उसे डांट रहा था। अब ऑफिसर केविन को कॉल पर लेता है और उसे कहता है कि अब वो उसकी बात माने। पुलिस ऑफिसर केविन से पूछता है कि बेकी ने अब क्या पहन रखा है, जिस पर केविन उसे बताता है कि उसने एक एप्रिन पहना हुआ है। तो ऑफिसर केविन को बेकी का एप्रिन हटाकर उसकी बॉडी को सर्च करने को कहता है, लेकिन केविन बेकी को बोल देता है कि वो ऑफिसर उसे ये सब कुछ करने को कह रहा है। और केविन ऑफिसर की बात को बिना माने सेंड्रा के पास में जाकर उसे ये सब बताता है। अब सेंड्रा कॉल पर आती है और ऑफिसर कहता है कि वो किसी और को उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए दे जो कि भरोसेमंद हो, लेकिन सेंड्रा के पास में ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट पर बहुत भीड़ थी और हर कोई अपना काम कर रहा था। फिर ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या उसकी शादी हो गई है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसका फियांसे है। सेंड्रा को उसके फियांसे को यहाँ पर बुलाने को कहती है। अब सेंड्रा का फियांसे वैन वहाँ पर आ जाता है जो कि एक पार्टी में था। वो सेंड्रा वैन को बेकी के पास में उस पर नजर रखने को बोलकर चली जाती है। ऑफिसर वैन को कॉल पर लेता है और वो उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है।
फिर वैन से पूछता है कि बेकी ने क्या पहना है, तो उसे बताता है कि बेकी ने एक एप्रन पहना है। ऑफिसर वैन को बेकी का एप्रन उतारने को कह देता है, लेकिन वैन ऐसा नहीं करना चाहता था। बेकी सेंड्रा से कहती है कि वो वैन के साथ में अनकंफर्टेबल है, वो किसी और वर्कर को वहाँ पर भेज दें, लेकिन सब बिजी थे और ये कहकर सेंड्रा वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिसर वैन से पूछता है कि क्या सेंड्रा वहाँ से गई। जब वैन हाँ कहता है तो ऑफिसर बेकी की पूरी बॉडी को सर्च करने को कहता है। वैन नहीं चाहता था कि वो सेंड्रा की पूरी बॉडी को सर्च करे। फिर ऑफिसर बेकी को बता देता है कि उसके भाई को ड्रग बेचने के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया है। अगर वो चाहती है कि वो सही सलामत रहे तो उसे वैन को सपोर्ट करना होगा, नहीं तो उसका भाई भी जेल में होगा और वो भी जेल में होगी। और वहीं ऑफिसर वैन को ऑर्डर दे रहा था कि वो बेकी को सर्च करे, और इसीलिए बेकी उसकी बात भी मानने लगती है। वो अपना एप्रन हटाती है और वैन ऑफिसर को बताता है कि उसने अपने पूरे कपड़े हटा दिए हैं। फिर इंस्पेक्टर डैनियल उससे पूछता है कि उसका चेस्ट कैसा है। वैन उसे इसका जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन ऑफिसर को यह जानना था कि वो अच्छे से उसे चेक कर रहा है या नहीं। फिर वैन डैनियल को बताता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन डैनियल अभी भी नहीं मान रहा था और वो वैन से कहता है कि बेकी से दूसरी तरफ घूमकर झुकने को कहे, ताकि उसकी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को देख पाए और ये इंश्योर करे कि उसने कहीं भी पैसे नहीं छुपाए हैं। और वैन बेकी को ऐसे ही झुकने को बोलता है। बेकी भी एक टेबल के सहारे ऐसे ही झुक जाती है और ऑफिसर वैन से पूछता है कि क्या बेकी के प्राइवेट पार्ट पर हेयर है या फिर वो शेवड है। वैन खुद जाकर देखता, उससे पहले ही बेकी बोल देती है कि वो बिल्कुल शेवड है। वैन उसे फिर से एप्रन पहनने को कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बेकी को बोले कि वो बिना कपड़ों के अपनी जगह पर जंप लगाए। अगर उसने अपनी बॉडी के किसी पार्ट में भी पैसे दबाए हैं तो वो उसके जंप करने से गिर जाएंगे। बेका ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन किसी और मर्द के सामने ये सब करना पड़ रहा था, जो कि उसके लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था। यहाँ पर केविन अपने को वर्कर को बताता है कि उसने बेकी के भाई को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और उसके दोस्तों से उसे पता चला है कि वो शहर से बाहर है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस ही उसे ले गई होगी। सीन अगेन बेकी की तरफ आता है, जो कि बिना कपड़ों के बैठी थी और ऑफिसर से कॉल पर बातें कर रही थी। तभी अचानक से सेंड्रा वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि बेकी और वैन दोनों अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और बेकी अपना एप्रन पहन लेती है। सेंड्रा उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है और पुलिस कब तक आ रही है। सेंड्रा रेस्टोरेंट का रश से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ख़त्म हो। वो बेकी को ये बोलकर जाती है कि वो ऑफिसर की बातें माने, क्योंकि उसने चोरी की है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रेस्टोरेंट के वर्कर भी ये चिंता कर रहे थे कि सेंड्रा का फियांसे अकेला बेकी के पास में है, और केविन ये नहीं चाहता है कि वो वैन के सामने बिना कपड़ों के रहे। सभी को लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन पुलिस का मामला था तो कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर अब ऑफिसर बेकी से कहते हैं कि उसे सेंड्रा के साथ फुसफुसा के बात की है तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, और जैसा कि अभी वो वहाँ पर नहीं है तो वैन उसे पनिश करेगा। ऑफिसर वैन को कहता है कि उसे बेकी को स्पैंक करना होगा जब तक कि वो रुकने को ना बोले, और उसे इतना ज़ोर से मारे कि उसे फ़ोन पर उसके स्पैंक करने की आवाज़ आए। वैन बेकी को उसके लैप पर झुकने को कहता है और उसे ज़ोर ज़ोर से स्पैंक करता है, और ये सब रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा था, लेकिन रश की वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। कुछ देर बीतते हैं और अब सेंड्रा रूम में आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वैन और बेकी दोनों चुपचाप बैठे हैं। वैन ने पुलिस का फ़ोन भी रख दिया था, लेकिन सेंड्रा को थोड़ा अजीब लगता है, और वैन को इस बात का इतना शौक लगा था कि वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब लगभग रात हो चुकी थी, बेकी बिना कपड़ों के न्यूड पता नहीं कब से बैठी हुई थी, और अब सेंड्रा वैन की जगह पर रेस्टोरेंट के ड्राइवर हेराल्ड को वहाँ पर बेकी के ऊपर नज़र रखने को बुला लेती है। फिर वो ऑफिसर से बात करता है और ऑफिसर डैनियल हेराल्ड को भी ये पूछता है कि बेकी ने क्या पहना है। वो भी उसे बताता है कि उसने एप्रन पहना है, और ऑफिसर हेराल्ड से उसके एप्रन को हटाने को कहता है, लेकिन हेराल्ड ऐसा नहीं करता है और सीधा सेंड्रा के पास में आता है और उसे बताता है कि कुछ तो अजीब है। फिर वो सेंड्रा से रॉबी यानी कि रेस्टोरेंट के ओनर को कॉल करने को कहता है। जब सेंड्रा रॉबी को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि रॉबी की पुलिस ऑफिसर से बात ही नहीं हुई है, और अभी तक जो सेंड्रा के साथ कॉल पर था वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। सेंड्रा तुरंत उसका फ़ोन काट देती है
और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और रेस्टोरेंट के लोग तुरंत पुलिस को इस बात की खबर करते हैं। पुलिस जल्दी वहाँ पर पहुँचती है और बेकी को सही सलामत उसके घर पर पहुँचा दिया जाता है। हम देखते हैं कि बेकी बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड थी, क्योंकि उसके साथ में जो हुआ वो बस खुद ही जान सकती थी। पुलिस डैनियल को उसके नंबर से ढूंढने का ऑर्डर देती है। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पर पता चलता है कि ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि ठीक इसी तरीके के केस कई बार हो चुके हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी शॉप पर कॉल करके इन्वेस्टिगेशन का बहाना बनाकर फ़ोन पर लड़कियों को हैरास करता है। पुलिस यहाँ पर बेकी को ऑफर करती है कि वो चाहे तो सेंड्रा के ऊपर केस कर सकती है, जो भी सेंड्रा ने उसका साथ में किया था। जब सेंड्रा से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया था, तो बताती है कि हर कोई पुलिस का नाम सुनकर ठीक वही करता जो उसने किया, क्योंकि उसे जल्दी सब कुछ ख़त्म करके अपने रेस्टोरेंट पर ध्यान देना था। उसने एक बार भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि आखिर वो सच में पुलिस वाला है या नहीं। बेकी सेंड्रा से भीख मांग रही थी कि वो ऐसा नहीं करे, लेकिन सेंड्रा काम में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन एक लड़की की नज़र से देखा जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर या ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमा हो सकता था। दोस्तों, USA में करीब ऐसे ही 70 से भी ज़्यादा केसेस हुए थे जिन्हें स्ट्रिप सर्च फोन कॉल स्कैम के नाम से जाना गया था, जिनमें मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट भी शामिल थे। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि किसी टीनेज लड़की के लिए ये कितना बुरा होगा कि वो अपने वर्कर के सामने नेकेड होकर खड़ी हो। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।